नमस्कार, मैं हूं धनश्री के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी में सीएम हाउस से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित मानस भवन के बाहर से 3 बदमाशों ने एक छात्र को चाटे मारने के बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया। घटना बुधवार की रात 11:30 बजे की है, जबकि पुलिस ने FIR 24 घंटे बाद दर्ज की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है। तीनों बदमाश शामला हिल्स क्षेत्र के पुराने अपराधी हैं। राजधानी में हाई सिक्योरिटी जोन में छात्र के साथ मोबाइल लूट की वारदात का मामला सामने आया है। आरोपी ने छात्र के पहले धुनाई करी, फिर मोबाइल फोन छीन लिया। ये घटना बुधवार की रात 11:30 बजे की है, जबकि पुलिस ने FIR 24 घंटे बाद दर्ज की है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस FIR दर्ज की है। आरोपियों के कब्जे से लूट का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। तीनों के खिलाफ धारा लूट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ लूट का एक मामला सामने आया था, क्या मामला है सर ये? एक प्रकरण में जो आरोपी पकड़ा गया था, जो मारपीट का प्रकरण था, उसके प्रकरण में पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फ़ोन भी मिला। पूछताछ करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसका मालिक कौन है। उसको बुलाकर जब पूछताछ करी गई तो ये सामने आया कि जो आरोपी है मुख्य प्रकरण का, उसके द्वारा ये मोबाइल उससे छीना गया था और उस पर थाने में प्रकरण कायम किया गया है, मोबाइल की जब्ती की गई है। पुलिस ने बताया है कि फरियादी कबीर पंथी NRI कॉलेज में BTEC प्रथम वर्ष का छात्र है। वो बीते 3 अप्रैल को शादी समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल आया था। रात करीब 11:30 बजे मानस भवन के बाहर खड़ा था, तभी आरोपी अनिकेत उर्फ चवन्नी, शुभम उर्फ चवन्नी और लेखराज उर्फ पिंटू एक बाइक पर सवार होकर आए। आरोपियों ने लड़के को चाटा मारा और धमका कर उसका फोन छीन लिया और फरार हो गए थे। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।